जनाब बैल जा रही है, लेकिन डीएमएस आप सहमत नहीं कर रहे पॉलिसी पर, दोबारा कॉल करेंगे किसी कॉल करो जनाब। इस टाइम ड्यूटी पे हैं जनाब डीएमएस साहब, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब ड्यूटी पे हैं इस टाइम, और कॉल नहीं मुदस्सर साहब हैं, और डीएमएस साहब मुदस्सर साहब हैं और ड्यूटी पे हैं, और इस टाइम चौथी बार कॉल मिलाई जा रही है और कॉल रिसीव नहीं हो रही। उन्हें जहमत देते हैं, उनकी नींद भी खराब होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आवाम को लूटा जा रहा है, तो उनकी नींद भी गहरी बात है, हमें खराब करनी पड़ेगी, इस टाइम उन्हें भी जहमत देनी पड़ेगी कि लास्ट कॉल है। इसके बाद जनाब सेक्रेटरी साहब के पीए को कॉल करते हैं जी, उनका क्या कहना है, उनके बाद सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट कॉल करते हैं, उनका क्या कहना है। पाँचवीं छठी कॉल है जनाब डीएमएस साहब की, और अगर डीएमएस साहब देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब अगर देख रहे हो तो उन्हें शर्म करनी चाहिए, सरकारी नंबर होगा, और आवाम अगर इस टाइम किसी मुश्किल में हो तो उनका तीन डीएमएस को डीएमएस रखने का मकसद ये है कि ड्यूटी पर रहें, और अगर किसी आवाम को कोई मुश्किल का सामना है तो उनकी मुश्किल को दूर करें, लेकिन कॉल ही नहीं जनाब रिसीव करें, मेरे ख्याल इतने ज़्यादा मसरूफ है, सुनने में आया रूट है, लेकिन अभी आराम से अंदर बैठ के बिस्किट चाहे पी लेंगे जनाब, रूम में बैठ के भी अंदर नहीं जा रहे, जहमत नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर गए तो जनाब गुस्सा कर देंगे कि मीडिया बगैर परमिशन के कैमरे लेके अंदर आ गया है। अभी कॉल करेंगे, परमिशन लेके जाएंगे, जारी की बात है डीएमएस साहब हैं, बगैर परमिशन के हम कैसे अंदर जा सकते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, दोबारा कॉल करेंगे, आप भी कॉल कर लेंगे जनाब, आज भी कॉल भी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद है जनाब देंगे थोड़ा तो जहमत देंगे जनाब, मैसेज कर रहे हैं जी जनाब, मैसेज भी कैमरा मैन फोकस करें, मैसेज ये भी कर रहे हैं, अभी हम मैसेज दिखाएँ भी, मैसेज दिखाएँ भी, क्या मैसेज किया जा रहा है जी डीएमएस साहब को, मैसेज किया जा रहा है जी, प्लीज अटेंड, पिक अप द फोन, पिक माय कॉल। चलें जी देखते हैं जी डीएमएस साहब कॉल रिसीव करते हैं या भी नहीं करते, मैसेज कर दिया गया आपने चैनल की तरफ से, मैसेज कर दिया गया, अभी देखें जनाब कॉल रिसीव करते हैं यानी इसके बाद दोबारा कॉल की जाती है, क्योंकि उनके कानों तक मेरे ख्याल से बात पहुंच चुकी होगी कि शहर लाहौर की टीम यहां पर मौजूद है, और ये जो हमारे हाथों में मौजूद है, ये जो मौजूद है समझे कि तराजू है जनाब, उनका हमारे हाथों में आ चुका है, ये उनका पलरा इस साइड पर जो हमने नीचे किया हुआ है, इससे मुझे पता है कि टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, पलरा नीचे हो चुका है जनाब का, और जनाब हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, लेकिन कॉल रिसीव करें ना करें सेक्रेटरी हेल्थ साहब को कॉल करेंगे, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि रोज़ाना जो लाखों रुपये आवाम से लूटे जाते हैं वो ना लूटे जाएँ, क्योंकि हम आवाम के साथ खड़े हैं, और शहर लाहौर की टीम हमेशा आवाम के साथ खड़ी हुई है, और इस बार भी ये जो बुक्स रखी हुई है हम इसी वजह से कॉल से बात कर रही थी आपसे, यहाँ पे आपके ये जो पार्किंग स्टैंड है यहाँ पे लोगों से डबल चार्जेस दिए जा रहे हैं, जबकि आपकी जो स्लिप है उसके ऊपर जो चार्जेस लिखे हुए हैं वो कम हैं, और उनसे डबल वसूल किए जा रहे हैं, और रात 12 बजे के बाद जो चार्जेस ये डबल दे रहे हैं उनका भी डबल दे रहे हैं, इसके लिए जनाब को जहमत दीजिए, मैंने कहा जी सर वही है ठेके पर चल रहा है, लेकिन सर सोचा कभी कभी चेक कर लेना चाहिए होटल का अफसान को। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर साहब, क्या हाल हैं सर, ठीक हैं, एंकर पर्सन बात कर रहा हूँ प्रोग्राम शहर लाहौर, सर ठीक हैं। अच्छा सर यानी कि अगर आवाम को इस तरह लूटा जा रहे हैं ठेके पर लिए हो तो आवाम को दोनों हाथों से ये लोग लूट सकते हैं, मना करेंगे सर, क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ सर, आप हमें यकीन दहानी करवाएंगे कि हमारे पास इतने बुक्स मौजूद है। इंक्वायरी जनाब प्रूफ तो हमारे पास मौजूद है, हम आपको प्रूफ भी देंगे, वो बुक्स भी मौजूद है, और यहाँ पर सैकड़ों लोगों के 4 घंटे से हमने शॉर्ट किए हुए जो लोगों के मौजूद है पिछले 4 घंटे से, जिन जिन लोगों से 20 रुपये लिए हैं वो हमारे पास वीडियोज मौजूद है बकायदा। तो ये क्लीन दहानी करवाते हैं आप इस चीज़ की, इनका ठेका कैंसिल।